नमस्कार स्टूडेंट्स, ANM डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं, यानी कि महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं आज से ही। और सभी को ऑल द बेस्ट, जितना भी हमने बताया है उम्मीद करता है सभी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और आयोग से एक और फाइनल अपडेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। यहाँ पर आज जो टोटल कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है 2489 कैंडिडेट का आज होगा, उसके बाद में नेक्स्ट डेट में होगा। इसी प्रकार से सिक्वेंस से रोल नंबर वाइज सभी जो है स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए, तैयार कर लीजिए अपने सारे डॉक्यूमेंट्स। और आज के स्पेशल सभी को ऑल द बेस्ट, किसी के भी कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलतियां नहीं होंगी। और स्पेशल मैं आप सबको बताना चाहूँगा, देखिए जितने भी डॉक्यूमेंट जितने भी कैंडिडेट का आज DB है वो ज़रूर रिव्यू दें, बताएं किस तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। हमने पता है जिस तरीके से ही एग्जैक्ट हुआ है, और एक दो अगर हमसे भूल रह गई हो उसके बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छे से पता चल जाए। जितने भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे जिनका भी आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, और उसके बाद में जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर बताएं, ताकि आपसे जो गलती हुई है वो रिमेनिंग स्टूडेंट्स से कोई भी गलती यहाँ पे ना होए। उसके बाद में देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं 2489 कैंडिडेट हैं। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये भी पूछे कि जो है GNM का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि GNM का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये वैकेंसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM के लिए ही थी और GNM के लिए नहीं थी, ठीक है। अगर कुछ भी होता है उसके रिगार्डिंग, जैसे आज GNM वाले कैंडिडेट जा रहे हैं वहाँ पे, तो वो ज़रूर बताएंगे GNM वाले कैंडिडेट उनके साथ में क्या बताया, उनको क्या बताया, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है या नहीं किया है, तो वो सारी जानकारी आप बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि ये जो जानकारी होंगी वो रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो इसीलिए आज जितने भी कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, तो वो ज़रूर बताएंगे। और जैसा कि यहाँ पे आप हमने आपको पहले भी बता दिया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होने वाला है जिस तरीके से होने वाला है, देखिए आज जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो रहा है 2489 कैंडिडेट का होगा, उसके बाद में जो कल होने वाला है वो यहाँ पे जो टोटल हो जाएंगे 4960 कैंडिडेट, ठीक है, रिमेनिंग। उसके बाद में इसी तरीके से सिक्वेंस चलता रहेगा 8, ठीक है। यहाँ पर टोटल जो डेट है 18 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। जिस डेट में जिसका भी जो है रोल नंबर है उसको जाना है, डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। और देखिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे है, अब कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स को यह है कि जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उन सभी कैंडिडेट के कोई भी भूल हो जाती है गलती से, और उस भूल की जो है वो आयोग फैसला बता देगा, आपको टाइम दे देगा, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी त्रुटि रहती है, लेकिन वो त्रुटि आप आने वाले जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनको ज़रूर बताएं, क्योंकि आपसे क्या गलती हुई है वो गलतियां ना करें। तो इसीलिए ये स्पेशल वीडियो बनाया गया है, और उम्मीद करते हैं आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बहुत ही शानदार होगा और यहाँ पर कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ठीक है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन आप रिव्यू जरूर देंगे कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसा हुआ है, क्या क्या क्राइटेरिया रखे हैं, और दूसरी बात जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी की वीडियो में इतनी जानकारी है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है ये आप देख लीजिए, और सब कुछ मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और फिर भी कहूँगा मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, गुड लक TB के लिए, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।